हेलो कर दीजिए हेलो सर और और तो देखिए तो पहले ये आवाज़ सही है आवाज़ सही है मिला ही थोड़ा आवाज़ सही है कस कर और कर दीजिए अगर है तो ठीक है शुरू हो जाए हाँ इंडिया गेट लगा दिया जाए देखिए यहाँ पर अब देखते क्या है जवान जवान देखें बोर्ड की ओर जैन साहित्यिक जैन साहित्यिक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विचार करने के लिए कह रहा है जनाब और फिर हम नीचे देख रहे हैं फिर क्या है ये बड़ी यहां पर देखिए क्या कहता है कौन सा कथन सत्य है यानी सत्य कथन को चुनना है अब यहां पर देखते हैं जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी यह बिल्कुल सही है ईसा की आठवीं सदी में बल्लभी में उन्हें संकलित किया गया इसमें तो सही है लेकिन आठवीं सदी नहीं होनी चाहिए पांचवी सदी होनी चाहिए पांचवी सदी इसलिए यह गलत है और जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं ये भी सही है उपरयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है यानी कि अभी या सही है तो एक और तीन इसका सही आंसर होगा एक और तीन जहां तक जैन साहित्य की बात हम देखते हैं कि जैन साहित्य को आगम कहा गया जैन साहित्य को आगम कहा गया हम देखते हैं कि प्रथम जैन महासभा प्रथम जैन महासभा के आयोजन का समय माना जाता है तीन सौ पूर्व से लेकर दो सौ अंठानवे ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र की धरती पर हुई थी उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था प्रथम महास प्रथम जैन प्रथम जैन संगति की बात है प्रथम जैन संगति का आयोजन का स्वयं माना जाता है तीन सौ बाईस से, से लेकर दो सौ अंठानवे पूर्व प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र की धरती पर हुई थी उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता एक विद्वान ने किया था जिसका नाम अस्थुल बाहु था प्रथम जैन संगति के समय जैन धर्म दो भागों में बट गया श्वेतांबर एवं दिगंबर श्वेतांबर श्वेत बस पहने विश्वास करते थे वहीं दिगंबर बस नहीं पहने विश्वास करते थे जैन गुरु अस्थुल बाहु के समर्थक श्वेतांबर कहलाए तो जैन गुरु भद बाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए जहां तक द्वितीय जैन संगति के आयोजन का सवाल है तो द्वितीय जनसंगति के आयोजन स्वयं माना जाता है पाँचवीं शताब्दी ईस्वी यानी कि द्वितीय जैन के आयोजन स्वयं माना जाता है पाँच सौ बारह ईस्वी द्वितीय जैन के आयोजन गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुई थी उस समय शासक कौन था यह पता नहीं चलता द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता एक विद्वान ने किया था जिसका नाम देवर्धि क्षमा शर्मा था द्वितीय जैन संगति के समय जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित एवं लिपिबद्ध किया गया था इतना तो हम बताए हैं अब साथ में रिवीजन हो जाना चाहिए अब रिवीजन होना चाहिए अब से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा जैन साहित्य को क्या कहा जाता था तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता था आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्रथम जैन संगति की आयोजन का समय क्या माना जाता है तो तीन सौ बाईस ईस्वी पूर्व से लेकर दो सौ अंठानवे ईस्वी पूर्व पूछेगा कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था तो प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र की धरती पर हुई थी उस समय शासक कौन था उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था पूछेगा प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने किया था प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता जिस विद्वान ने किया था उसका नाम क्या था अस्थूल क्या नाम था अस्थूल पूछेगा कि प्रथम जैन संगतिक समय जैन धर्म कितने भागों में बट गया था तो दो भागों में बट गया था कौन कौन श्वेतांबर श्वेतांबर एवं दिगंबर श्वेतांबर एवं दिगंबर श्वेतांबर कैसा वस्त्र पहनते थे श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहने विश्वास करते थे और दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते थे वस्त्र नहीं पहनते थे पूछेगा जैन गुरु अस्थूल बाहु के समर्थक अस्थूल बाहु के समर्थक क्या कहलाए तो क्या कहलाए तो श्वेतांबर कहलाए श्वेतांबर कहलाए पूछेगा जैन गुरु भद्र बाहु के समर्थक क्या कहलाए तो क्या कहला दिगंबर कहलाए क्या कहलाए दिगंबर कहलाए ठीक ना पूछेगा कि द्वितीय जनसंगति के आयोजन समय क्या माना जाता है तो 512 सौ पूछेगा द्वितीय जनसंगति का आयोजन कहाँ तो गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर पूछेगा उस समय शासक कौन था यह पता नहीं चलता है पूछेगा द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता एक विद्वान ने किया उसका नाम क्या था उसका नाम देवर्धि क्षमा श्रमण था पूछेगा द्वितीय जैन संगति समय जैन ग्रंथों को क्या किया गया तो द्वितीय जैन संगति समय जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित अंतिम रूप से संकलित एवं लिपिबद्ध किया गया था एवं लिपि बद किया गया था और जो ये रिवीजन कराए हैं इसे लिखते जाइए ठीक ना और साथ में आप चाहें तो मोबाइल से भी फोटो खींच सकते हैं आइए यहाँ पर एक बार लेक्चर देखकर समझाते हैं उसके बाद हम रिवीजन करवाते हैं तो इसे हम रिवीजन कर, करवाना ही हम कहते हैं आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर और नंबर दो में है अब देखिए यहाँ पर राखी गढ़ी की जब हम बात करते हैं तो राखी गढ़ी का राखी गढ़ी कहाँ है राखी गढ़ी हरियाणा में देख मेरे जवान राखी गढ़ी है हरियाणा में राखी गढ़ी का उत्खनन कब हुआ था उन्नीस से और उन्नीस निन्यानवे दौरान कौन किया था अमरनाथ ने किया था अमर अमरेंद्र नाथ ने कौन किया था अमरनाथ ने और राखी गढ़ी से क्या मिला है राखीगढ़ी से मिला है मातृ देवी की प्रतिमा मातृ देवी की प्रतिमा यहाँ पर है मेहरगढ़ का उत्खनन कब हुआ था तो उन्नीस सौ पता कब चला उन्नीस सौ चौहत्तर ईस्वी में और यहाँ से क्या चीज़ का कृषि एवं पशुपालन का कृषि एवं पशुपालन का प्रमाण मिलता है एवं पशुपालन का प्रमाण मिलता है यहाँ कालीबंगा और ये और यहाँ पर ये देखते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ से है तो मेहरगढ़ आ गया यहाँ पर तीन बलूचिस्तान अब यहाँ पर कालीबंगा कहाँ है राजस्थान कालीबंगा का उत्खनन कार्य कब हुआ था तो उन्नीस ईस्वी में किसके निर्देशन में बीबी लाल बीबी बी लाल एवं बी.के थापर एवं बी.के थापर के निर्देशन में कालीबंगा से क्या यहाँ से भूकंप आने के प्रमाण मिलते हैं क्या आने के प्रमाण मिलते हैं भूकंप आने के प्रमाण मिलते हैं चन्हुद्रोह से कहाँ है सिंध चन्हुद्रोह का उत्खनन कार्य कब तो 1931 ईस्वी में कौन तो गोपाल गोपाल मजूमदार के निर्देशन में गोपाल मजूमदार के निर्देशन में चन्हुद्रोह से क्या चीज का कारखाना मिला है तो गुड़िया निर्माण करने का कारखाना मिला है अब यहाँ पर हम देखते हैं राखी गढ़ी कहाँ है हरियाणा इसका उत्खनन कहाँ है उन्नीस सौ सन्तानवे उन्नीस राखी गढ़ी से मातृदेवी की प्रतिमा मिली मेहरगढ़ का उत्खनन का है सौ और यहाँ से कृषि एवं पशुपालन मेहरगढ़ कहाँ है तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में बलूच संतान के मध्य पड़ता है यहाँ पर कालीबंगा कालीबंगा कहाँ है तो राजस्थान उत्खनन कार्य का तो उन्नीस सौ तिरपन ईस्वी में किसके निर्देशन में बी बी लाल एवं बी के थापर कालीबंगा से क्या भूकंप आने का प्रमाण मिलते हैं चन्द्रद्रो का उत्खनन कार्य चन्द्रो का से सिंध सनहुद्रो का उत्खन कार्य 1931 किस के निर्देशन में गोपाल मजूमदार के निर्देशन में चनहुद्रो से गुड़िया निर्माण करने कारखाने मिले हैं तो अब हम देखते हैं राखीगढ़ी का आंसर फोर होता है तो 4 किस में है इसमें है राखीगढ़ी आ जाइए मेहरगढ़ का एक दो में मेहरगढ़ मेहरगढ़ दो में होगा मेहरगढ़ मेहरबलूचिस्तान तीन ठीक है कालीबंगा राजस्थान दो चनहुद्रो चनहुद्रो एक इसका सही आंसर हो जाएगा बी इधर आइए यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं कि ऋगवैदिक काल में बलि को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया गया है एक स्वैच्छिक कर के रूप में किया गया है हम स्वैच्छिक कर के रूप में परिभाषित किया गया है हम देखते हैं कि ऋगवैदिक काल के प्रारंभ में आर्जों का आर्जों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था तो उत्तर वैदिक काल में आर्जों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया उस समय धन का आधार गाय थी जिसके पास जितने गाय होते थे वह उतने धर्मान होते थे राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था जो प्रांत का सूचक था पूर्व दिशा की ओर राज करने वाले राजा को सम्राट कहा जाता था पश्चिम दिशा की ओर राज करने वाले राजा को सौराष्ट्र कहा जाता था उत्तर दिशा की ओर राज करने वाले राजा को विराट कहा जाता था दक्षिण दिशा को राज करने वाले राजा को भोज कहा जाता था एवं चारों दिशाओं के राजा पर विजय प्राप्त करने वाले को एक राट कहा जाता था तो मेरे जवान अब एक बार रिविजन हो जाए रिविजन में हम यहाँ पर आ जाते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो क्या वैसा है पशुपालन था क्या था पशुपालन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हो गया कृषि उस समय धन का आधार क्या थी उस समय धन का आधार गाय थी पूछेगा आपसे राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम किस काल में हुआ था राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था किस काल में उत्तर वैदिक काल में पूछेगा पूर्व दिशा की राज करने वाले राजा को क्या कहा गया सम्राट कहा गया क्या कहा गया सम्राट पश्चिम दिशा की राज करने वाले राजा को क्या कहा गया सौराष्ट्र क्या कहा गया सौराष्ट्र कहा गया तो पूछेगा पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा ओर राज करने वाले राजा को क्या कहा गया तो विराट कहा गया तो दक्षिण दिशा ओर राज करने वाले राजा को क्या कहा गया तो भोज कहा गया और चारों दिशाओं के राजा पर विजय प्राप्त करने वाले को एक राट कहा गया और यह सबसे शक्तिशाली राजा होता था ऋग्वेद में एक ही अनाज के विषय में जानकारी मिलती याद रखना ऋग्वेद में एक ही अनाज के विषय में जानकारी मिलती है जिसका नाम जौ है ऋग्वेद में जौ के लिए यौ शब्द आया है ऋग्वेद में एक ही आभूषण के विषय में जानकारी मिलती है जिसका नाम निस्क है यह निस्क गले में पहना जाने वाला सोने का हार था मेरे जवान कहीं कोई दिक्कत कमेंट भी लिखे क्या चाहते हैं हमसे वह भी बोले आप हमसे क्या चाहते हैं यह भी बोले कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं ठीक ना आप ऐसा भी कर सकते हैं जितना मेरा जवान है मिलकर जो प्रश्न पूछना है वह एक जगह लिखिए लिख कर तैयार कीजिए और हमें भेज दीजिए एक दिन हम टोटल क्वेश्चन पर डिस्कस कर देंगे समझ गए घबराने की बात नहीं है क्या हम बोल रहे हैं कि आप कोई भी प्रश्न हमसे कर सकते हैं हो सकता है कोई एक लड़का उठे और जितना प्रश्न पूछना है टोटल प्रश्न को कलेक्ट करके हमें भेज दीजिए और सारे प्रश्न का हम डिस्कस कर देंगे हाँ जी बिल्कुल आ जाओ यहाँ पर आगे की ओर हम आते हैं <laughs> यहाँ पर देख निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यहाँ पर देखते हैं कि बौद्ध धर्म में पूर्वजन्म की अवधारणा है तो है और बौद्ध धर्म में आत्मा की अवधारणा बिल्कुल नहीं है और इसमें बौद्ध धर्म उदारण यह बिल्कुल सही है यानी ये सही है ये सही है तो याद रखना है यहाँ पर आप क्या है ये सही है तो कहने का है कि पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है सत्य नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी सत्य नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बौद्ध धर्म में आत्मा की अवधारणा है नहीं है बौद्ध धर्म में आत्मा की अवधारणा नहीं है बौद्ध धर्म में ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की बात की गई है लेकिन बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने पर बल दिया गया और महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग पर बल दिया था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल ब्रिज के नीचे हुई थी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान इसलिए बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया लाइट ऑफ एशिया कहा गया महात्मा बुद्ध अपना उपदेश अब महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश पारा सारनाथ में सारनाथ में दिया था और महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को बौद्ध धर्म के इतिहास में हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम जानते हैं बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक है और त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई आपसे यहाँ पर प्रश्न की भी है अब यहाँ रिवीजन की बात करते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में आत्मा आत्मा एवं ईश्वर की एवं ईश्वर की महत्ता को ईश्वर की महत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है स्वीकार स्वीकार नहीं किया गया है स्वीकार नहीं किया गया है बौद्ध धर्म में हम देखते हैं बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की पुनर्जन्म की महत्ता को स्वीकार किया गया है पुनर्जन्म की महत्ता स्वीकार किया गया है बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग पर बल दिया गया है इस मार्ग पर मध्यम मार्ग पर बल दिया गया है मध्यम मार्ग पर बल दिया गया महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाया था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति में बौद्ध गया में तट पर एक पीपल एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और बुद्ध का क्या अर्थ होता है बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान क्या अर्थ होता है प्रकाशमान इसलिए बुद्ध को क्या कहा गया एशिया का इसलिए बुद्ध को कहा गया एशिया का प्रकाश पुंज एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया महात्मा बुद्ध अपना उपदेश सारनाथ में दिया किस भाषा में दिया था तो पाली भाषा में दिया था महात्मा बुद्ध द्वारा द्वारा दिए गए पहले उपदेश को क्या कहते हैं तो धर्म चक्र पर धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है त्रिपीटक है क्या है त्रिपीटक है त्रिपीटक की रचना किस भाषा में पाली भाषा में की गई है त्रिपीटक के अंतर्गत कितने ग्रंथ हैं त्रिपीटक के अंतर्गत सुटक विनापीटक एवं अविधम पीटक को शामिल किया गया है मेरे जवान देता है कि बाबा जवान जो रिवीजन करवाते हैं क्या इसमें कोई दिक्कत भी हो रही है जो हम लेक्चर देने के बाद और, और लेक्चर देने के बाद फिर हम पूछते हैं कि ऐसे पूछते हैं कि जैन धर्म में महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया तो मध्यम मार्ग अपनाया तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ तो बौद्ध ज्ञान नदी तट पर इसे थोड़ा सा रिविजन होता है और फिर अपनी बात को रखने के लिए भी आप तैयार हैं आगे की ओर आते हैं यहाँ पर पांच में है मौर्यकालीन समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है और इसका सही आंसर है चारों वर्णों के लोग सेना में शामिल होते थे बिल्कुल अपराध करने वाले ब्राह्मणों की यातना नहीं दी जाती थी महिलाओं को नियोग की अनुमति नहीं थी नहीं महिलाओं को नियोग की अनुमति नहीं थी थी नियोग की अनुमति थी इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है तो सी इसका आंसर होगा इसका सही आंसर होगा सी हम देखते हैं कि मौर्य काल की जब हम बात करते हैं तो मौर्य काल की बात करते हैं कि मौर्य काल में नियोग प्रथा तो प्रचलन में थी आप देखेंगे तो और मौर्य काल में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र का जब अवलोकन करते हैं तो अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है मौर्य काल में बेस्यावीरती प्रचलन में थी मौर्य काल में वैसी महिला जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करती थी ऐसी महिला को रूपा जीवा कहा जाता था इनके कार्यों की देखरेख अध्यक्ष करता था कौन करता था अध्यक्ष आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्य काल में मौर्य काल में नियोग प्रथा नियोग प्रथा प्रचलन में थी तो हाँ प्रथा प्रचलन में थी पूछेगा हम और याद रखना रह है मौर्य काल में पुनर्विवाह की प्रथा थी मौर्य काल में तलाक की प्रथा थी तलाक की प्रथा थी मौर्य काल में बेस्यावीर्ति बेसिया वृत्ति पर चलन में थी और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाले महिला को क्या कहा जाता था तो रूपा जीवा कहा जाता था और रूपा जीवा कहा जाता था और रूपा जीवा के कार्यों की देखरेख कौन करता था तो गणिका अध्यक्ष कौन करता था गणिका अध्यक्ष करता था गणिका अध्यक्ष और पूछेगा कि कोटिल की रचना अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है तो सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है का रहने वाला था तो मेगास्नीज यूनान का रहने वाला था और मेघासनीज व्यवसाय के आधार पर भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था सात भागों में बांटा था मेगास्ज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा तो पोली बोथरा क्या, क्या कहा पोली बोथरा कहा और कहा पोली बोथरा क्या है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस कि चीज़ का बना हुआ है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ है किसका बना हुआ है लकड़ी का बना हुआ है नियोग उसे कहते हैं कि जैसे कि यह नियोग प्रथा जैसे था और नियोग उसे कहा गया पति के मरने के बाद वैसी महिलाएं और वैसी महिलाएं जिनकी शादी हुई है वैसी लड़की जिनकी शादी हुई और कुछ समय के बाद उनके पति मर गए ऐसे निस्सानदान विधवा को अपने पति के छोटे भाई देवर के साथ संपर्क करके पुत्र प्राप्त करने का अधिकार था और इसे नियोग कहा गया इसके तहत शादी नहीं होती थी समझ गया आ जा यहाँ पर यहाँ पर देखते नंबर छह में गुप्त वंश के उद्भव और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इनके राज्य में मध्य भारत की उर्वर भूमि के कारण उपज अच्छी होती थी बिल्कुल सही है और यहाँ पर हमें कथन चुनने की बात कर रहा है तो दक्षिण बिहार से प्राप्त लोहा के उपयोग से उन्नत तकनीक के औजार और हथियारों के निर्माण को बल मिला यह भी बात सही है एकदम सही है और रोमन साम्राज्य से व्यापार में वृद्धि हुई यह गलत है इसका सही जब चुनने के लिए कर रहा है इसका सही आंसर होगा एक और दो कहाँ है एक और दो हम देखते हैं कि गुप्त काल में भूमि कर उपज का एकवटा छ भाग लिया जाता था गुप्त काल में निम्नलिखित प्रकार के भूमि होते थे क्षेत्र भूमि वैसे भूमि को कहा गया जो भूमि कृषि योग्य होती थी खील भूमि वैसे भूमि को कहा गया जो भूमि बंजर होती थी अर्थात कृषि योग्य नहीं होती थी वस्तु भूमि वैसे भूमि को कहा गया जो भूमि निवास करने योग्य होती थी अपृहृत भूमि वैसे भूमि कहा गया जो भूमि जंगली होती थी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गुप्त काल में भूमि कर उपज का कितना लिया जाता था तो एक बटा अच्छे भाग गुप्त काल में निम्नलिखित प्रकार की भूमि होते थे नंबर एक क्षेत्र भूमि नंबर एक क्षेत्र भूमि वैसे भूमि कहा जाता था जो भूमि कृषि योग्य होती थी जो भूमि कृषि योग्य होती थी नंबर दो, दो में खील भूमि नंबर दो में खील भूमि वैसे भूमि कहा जाता था जो भूमि बंजर होती थी जो भूमि बंजर होती थी अर्थात कृषि युग अर्थात कृषि युग नहीं होती थी अर्थात कृषि योग्य नहीं होती थी अर्थात कृषि योग नहीं होती थी तो वहीं पर नंबर तीन देखते हैं वस्तु भूमि वस्तु भूमि वस्तु भूमि वैसे भूमि कहा गया जो भूमि निवास करने योग्य होती थी जो भूमि निवास करने योग्य होती थी तो वहीं पर हम देखते हैं अपरहत भूमि अपरहत भूमि अपरहत भूमि वैसे भूमि कहा जाता था जो भूमि जंगली होती थी जो भूमि जंगली होती थी गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था गुप्त काल में सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था चांदी के सिक्के को रूपयक या रूपक कहा जाता था रूपयक या रूपक कहा जाता था आ जाए जवान क्या जवान कोई दिक्कत है आ जाए यहाँ पर यहाँ पर नाथ साथ में देखें गुजरात विजय के पश्चात अल्लाहउद्दीन ने रणथंभौर राज पर आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान का कौन सा उत्तराधिकारी वहां शासन कर रहा था इसका सही आंसर क्या है हम राजा हमीर देव अब यहाँ पर हम ये देखेंगे गुजरात विजय की बात करते हैं तो सर्वप्रथम अल्लाहउद्दीन खिलजी की समय और बारह सौ अंठानवे ईस्वी में गुजरात का विजय किया गया था गुजरात का विजय उस समय गुजरात का शासक सा कौन था रायकरण था गुजरात का शासक रायकरण था इसकी पत्नी का क्या नाम था इसकी पत्नी का नाम कमला देवी थी कमला देवी थी और कमला देवी के साथ शादी कौन कर लिया अलाउद्दीन खिलजी कर लिया था तो फिर रायकरण की पुत्री का नाम क्या था देवल देवी देवल देवी था और देवल देवी के साथ शादी कौन कर लिया था अल्लाहद्दीन खिलजी का पुत्र खिजखान ने शादी कर लिया यहाँ पर रणथम्भौर की बात है तो याद रखना है कि गुजरात विजय कब हुआ था तो बारह सौ अंठानवे बारह सौ अंठानवे और रन विजय कब हुआ था एक में कब हुआ था तेरह सौ एक में उस समय राजा कौन था राजा हमीर देव था अब यहाँ पर हम प्रश्न करते हैं कि गुजरात विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने रनथम्भौर पर आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान का कौन सा उत्तराधिकारी वहां शासन कर रहा था इसका सही आंसर राजा हमीर देव होगा और अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वप्रथम बारह सौ अंठानवे ईस्वी में गुजरात का विजय किया गया था और अंतम का विजय तेरह सौ एक ईस्वी में किया गया था अलाउद्दीन खिलजी की के समय में सर्वप्रथम बारह सौ अंठानबे ईस्वी में गुजरात का विजय किया गया था गुजरात का शासक रायकरण था रायकरण की पत्नी का नाम कमला देवी थी और कमला देवी के साथ शादी कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी की पुत्री थी जिसका नाम था देवल देवी और देवल देवी के साथ शादी कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी का बेटा खिज खाने अलाउद्दीन खिलजी की, खिल की नीति दक्षिण भारत के राज्यों पर थी सिर्फ धन प्राप्ति की थी अलाउद्दीन खिलजी समय में दक्षिण भारत के विजय का सरे उसके सेनानायक मल्लिक काफुर को जाता है मल्लिक काफुर को इतिहास में हम हजार दिनारी के नाम से भी जानते हैं हम देखते हैं हजार दीनारी के नाम से भी जानते हैं हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था मंगोल आक्रमण के दबाने क्रम में अलाउद्दीन खिलजी का सेना खा सेनायक जफ्फर खान मारा गया था अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में दिल्ली में श्री मंगोल आक्रमण से रक्षा है तो दिल्ली में श्री नामक किला बनाकर इसे अपनी राजधानी बनाया था आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वप्रथम कौन सा विजय किया गया था बारह सौ अंठानवे में वह बारह सौ अंठानवे में कौन सा विजय था गुजरात का विजय था ठीक है देखते जाइए गुजरात और उसमें गुजरात का शासक कौन था रायकरण रायकरण की पत्नी का क्या नाम था तो कमला देवी कमला देवी सा शादी कौन कर लिया तो अलाउद्दीन खिलजी कर लिया पूछेगा कमला देवी की पुत्री का नाम क्या देवल देवी देवल देवी सा शादी कौन कर लिया अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र पुत्र खिज्र खां ने कर लिया कौन कर लिया खिजर खां पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी की नीति दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति क्या की थी तो साम्राज्य विस्तार की थी साम्राज्य साम्राज्य विस्तार की थी किसकी साम्राज्य विस्तार पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत के विजय अक्षरे किसको जाता है तो मल्लिक काफुर को जाता है किसको मल्लिक काफुर को जाता है मल्लिकापुर के इतिहास में किस नाम थे मल्लिकापुर के इतिहास में हजार हजार दिनारी के नाम से जानते हैं पूछेगा कि आपसे पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक आक्रमण किसका तो मंगोल आक्रमण हुआ था कौन मंगोल आक्रमण मंगोल आक्रमण से रक्षा है तो कौन सी किला का निर्माण क्या है दिल्ली में सिरी नामक किला सिरी नाम निमान। निमान का निर्माण सिरी नामक किला का निर्माण कर इससे क्या बनाया तो था अपनी राजधानी बनाया था क्या बनाया था अपनी राजधानी अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं दिल्ली में हज़ार हज़ार खंभों वाले हज़ार खंभों वाले महल का निर्माण हज़ार खंभों वाले महल का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हज़ार खंभों वाले महल का निर्माण कराया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुद्ध इस्लामी शैली में दिल्ली में जमात खां नामक जमात खान नामक मस्जिद का निर्माण कराया था नामक मस्जिद का निर्माण कराया था यह भारत का पहला मस्जिद है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था इसे कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार माना जाता है आइए यहाँ पर देखते हैं कि एकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यह पूछ रहा है सत्य कथन चुनने के लिए कह रहा है यह स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ था बिल्कुल सही है जिन अमीरों को एकता दिया जाता था उन्हें बलि कहा जाता यह भी सही है और बलि अपने कर्तव्य में लगान स्वतंत्र हुआ करते थे यह बिल्कुल सही है और इसका सही आंसर जब एक दो तीन सही है तो ऑप्शन में देखेंगे एक दो तीन है तो इसका सही आंसर होगा ए हम देखते क्या है कि एकता था की हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के शासक की इलतुतमिश अपने राज्य में प्रशासन की सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को छोटे 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 भागों बांट दिया जिसे एकता कहा गया जिसे एकता कहा गया और एकता के शासन की देखभाल करने वाले को एकता कहा गया एकता कहा गया इस प्रकार इल्तुतमीश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने एकता प्रथा प्रारंभ किया था अलतुतमीश चालीस तुर्क गुलाम सरदारों का एक दल गठित किया था जिसे हम चालीसा दल के नाम जानते हैं जिसे हम तुर्कान ए चहलगामी के नाम जानते हैं इलतुतमीश की बात करते हैं इलतुतमीश के शासनकाल में बारह सौ इक्कीस ईस्वी में मध्य एशिया के ख्वारिज के राजकुमार मंगबरनी पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आ गया इल्तुतमीश चांदी का जो सिक्का चलाया उसे टंका के नाम जानते हैं तांबा का जो सिक्का चलाया उसे जीतल के नाम जानते हैं इस पर कहा इल्तुतमीश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने टंका एवं जीतल नामक सिक्का चलाया इल्तुतमीश ने सुद अरबी लिपि में अपना सिक्का चलाया आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इल्तु दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने एकता प्रथा प्रारंभ किया तो कौन था इलतुतमिश था, था? पूछेगा कि इलतुतमिश ने प्रशासन की सुविधा को ध्यान रखते हुए साम्राज्य को छोटे छोटे भागों बांट क्या कहा गया एकता एकता के शासन की देखभाल करने क्या कहा गया एकतादार पूछेगा इल्तुतमिष चालीस तुर्क गुलाम सरदारों का एक दल गठित किया जिसे क्या कहा गया जिसे चालीसा जिसे चालीसा दल कहा गया चालीसा दल कहा गया चालीसा दल को चालीसा दल क्यों कहा गया क्योंकि इसमें चालीस गुलाम सरदार शामिल थे पूछेगा कि इल्तुतमिश की बात करते हैं तो चालीसा दल के गठन करने का श्रेय इलतुतमिश को जाता है किसको जाता है इलतुतमिश को जाता है तो चालीसा दल के दमन करने का श्रेय किसको जाता है तो बलवन को जाता है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इलतुतमिश के शासनकाल में मध्य एशिया के ख्वारिज्म के राजकुमार मंगबर्नी का पीछा करते हुए मंगोल नेता कहाँ गया तो मंगोल नेता सिंधु नदी के तट पर आ गया था तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने ईस्वी में तो बारह सौ इक्कीस ईस्वी में पूछा जाएगा इलतुत्मिश चांदी का जो सिक्का चलाया उसे क्या कहते हैं उसे टंका के नाम जानते हैं तांबा का जो सिक्का चलाया उसे जीतल के नाम से जानते हैं इस पर पूछेगा इस प्रकार टंका एवं जीतल सिक्का चलावा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था तो इलतुतमिश था कौन था इलतुतमिश था कहेगा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जो शुद्ध अरबी लिपि में अपना सिक्का चलाया था तो वह था इलतुतमिश कौन था इलतुतमिश था आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभुताभु प्रथम संप्रभुता संपन्न सुल्तान किसको कहा गया किसको कहा गया इल्तुतमिश को कहा गया है इलतुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया और इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था किसको दिल्ली को मेरे जवान यहाँ पर देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती फोर की बात की जा रही है और ये बैच की शुरुआत हो चुकी है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो हम प्रचार नहीं कर रहे हैं आप ये सोच रहे हैं कि हम प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की सरजमी का प्रचार कर रहे हैं तो बिल्कुल ये गलत सोच रहे हैं ऐसा बात नहीं जहाँ पर विरोध की आवश्यकता होती है प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा विरोध हम ही करते हैं जहाँ पर मोहब्बत की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा मोहब्बत हम ही लुटाते हैं जो सही है वह हम बोल रहे हैं टीचर की बैच की यहाँ शुरुआत हो चुकी है और बैठने के लिए जगह नहीं है बृहद पैमाने पर लोग हैं और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको रिक्वेस्ट करना होगा कारण ये था कि शुरुआती समय में इसका उतना बड़ा बैच टीचर का नहीं बन पा रहा था क्योंकि प्लेटफॉर्म का हमेशा से पहचान रेलवे को लेकर रहा लेकिन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो शिक्षक के बैच को पहले शिक्षक बैच को यहाँ पर इतनी ईमानदारी तरीक़ा से पढ़ाया गया कि आप जान लीजिए कि टीचर का बैच आज की डेट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा टीचर का भीड़ लगता है और हम कहेंगे कोई और जाकर यहाँ पर आकर टीचर बने उससे अच्छा मेरा जबान बन जाए आप जल्दी आए और हम आपके यहाँ हम इतिहास पढ़ाते हैं यहाँ पर एक से दो यह मेरा टाइमिंग है एक और न्यू बैच देंगे आपके आने के बाद रही बात हमारी और आपकी तो हम जो पढ़ाने के बाद जो रिविज़न आपको करवाते हैं पढ़ाने के बाद जो हम रिविज़न कराते हैं उसके बारे में भी अपना विचार देना है कि सर का मेरे रिविज़न करने का तरीका कैसा है इसमें एक जबान ने मेरा यह लिखा है कि सर आप वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दें बिल्कुल आपका ये सुझाव हमें भी अच्छा लगा और हमें भी महसूस हुआ इस बैच में और हमें भी महसूस हुआ तो हम आपकी बात को पहुंचाते हैं सेटर तक और कहेंगे कि मेरे जवान का कहना है और मेरे जवान का कहना है कि आप मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री की क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दें मेरे जवान जहां तक आपके पास 40 क्वेश्चन होते हैं तो आप यह भी हमें बता दें मॉडर्न हिस्ट्री का कितना प्रश्न डाला जाए वर्ल्ड हिस्ट्री का कितना प्रश्न डाला जाए अरे डिस्कशन कराने के लिए इतिहास बोलने के लिए शहनसा को किताब देखने की आवश्यकता थोड़ी है मुंह खोला जो निकल गया वही इतिहास है बोल जवान रे कुमार क्वेश्चन हाँ, बिल्कुल नहीं जवान ऐसा नहीं टोटल एनसीआरटी है इसमें एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं डाला गया है अगर फालतू रहे तो हम डिस्कशन नहीं कराएंगे टोटल एन सी क्वेश्चन है हाँ वो एक भी क्वेश्चन हल्का नहीं मिलेगा जो आराम से बैठ कर आप बना लीजिएगा किलतुतमिश किस राजवंश का था इस तरह का प्रश्न नहीं मिलेगा सब का सब प्रश्न काफ़ी टफ है तो हमारा कहना है आराम से इसको बनाएं और अपना सुझाव दें हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार बसरते हुए बात मानने लायक हो यहाँ पर देखें अलाउद्दीन हुसैन देखो यहाँ पर आ, और अलाउद्दीन हुसैन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो यहाँ अलाउद्दीन हुसैन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर नीचे दिए गया सत्य यानी जो दिया गया है इसमें सत्य कथन चुनना है यहाँ नंबर एक में है उसने हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए बिल्कुल सही है और धर्म और धर्मात्मा वैष्णवों के रूप में विख्यात दो भाई रूपा और सनातन ऊंचे पदों पर आसीन थे यह भी सही है वह महान वैष्णव संत चैतन्य का बहुत आदर करते थे यह भी सही है और इसका सही आंसर हो जाता है और उपर्युक्त में से एक से अधिक जहाँ तक सवाल है अलाउद्दीन हुसैन प्रश्न उभरता है ये अलाउद्दीन हुसैन कहाँ के शासक थे तो बंगाल के शासन थे बंगाल के शासक थे और इनका शासन काल माना जाता है चौदह सौ तिरानवे से लेकर पंद्रह सौ उन्नीस ईस्वी और पंद्रह चौदह सौ तिरानवे से पंद्रह सौ उन्नीस ईस्वी यह हिंदुओं के हिंदुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए जगत भूषण की उपाधि धारण किया था याद रखिएगा हिंदुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए जगत भूषण की उपाधि धारण किया था आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन हुसैन कहाँ के शासक था तो ये कहाँ का तो बंगाल का कहाँ का बंगाल का इनका शासन काल कब से कब तक तो चौदह सौ तिरानवे से लेकर पंद्रह सौ उन्नीस तक पूछे आपसे पूछा जाएगा हिंदुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कौन सी उपाधि धारण की तो कौन सी जगत भूषण की उपाधि जगत भूषण की उपाधि ठीक ना? हम्म देखिए शेर शाह ने अपने शासन काल में ग्रैंड ट्रंक रोड को चालू करवाया यह सड़क कहां से कहां तक जाती थी इसका सही आंसर है सिंधु नदी से बंगाल के सोनागाँव so, तक जहाँ तक शेरशाह की बात करते हैं शेरशाह ने और शेरशाह की बात करते हैं शेरशाह ने दिल्ली में पुरानी किले का निर्माण कराया था शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः बसाकर अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था और शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया इसे पहले सड़क आजम के नाम जाना जाता था शेरशाह ने सोने का जो सिक्का चलाया और उसे हम अशरफी के नाम जानते हैं तांबे का जो सिक्का चला उसे दाम के नाम जानते हैं और चांदी का जो सिक्का चला है उसे रुपया के नाम जानते हैं इस प्रकार रुपया नामक सिक्का चलाने वाला यह पहला शासक था शेरशाह का शासनकाल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था इसलिए शेरशाह के शासन को प्रशासन को मुगल बादशाह अकबर ने अपनाया था शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए इतिहासकार अब्बास खान सरबानी ने लिखा इसके समय में रात के दो बजे रात के बारह बजे अस्सी वर्ष की महिला वृद्ध महिला टोकरी में सोना रखकर अंधेरी रात में सफर कर सकते थे लेकिन उसके सोने को छूने वाला कोई नहीं था इतिहासकार कानूनगो ने शेरशाह कानूनगो नामक एक अधिकारी होता था जो भूमि संबंधी दस्तावेज को सुरक्षित रखता था आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शेर शाह ने दिल्ली में पुरानी किले का निर्माण किया शेर शाह ने ट्रंक रोड का निर्माण इसे पहले क्या कहा जाता था इसे कहा जाता था पहले सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था पूछेगा शेरशाह ने पाटलिपुत्र को किस नाम से बताया पटना के नाम से कब पंद्रह में इसे अपनी राजधानी बनाया पूछेगा कि शेरशाह ने सोने का जो सिक्का चला है उसे किस नाम जानते हैं इसे हम असरफी के नाम जानते हैं तो तांबा का जो सिक्का चला है उसे किस नाम से जानते हैं दाम के नाम जानते हैं चांदी का जो सिक्का चला है उसे किस नाम से जानते हैं रुपया के नाम जानते हैं इस प्रकार रुपया नामक सिक्का चलाने वाला यह पहला शासक था हम शेरशाह की काल किस लिए प्रसिद्ध था तो प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था शेर शाह के प्रशासन को किसने अपनाया तो मुगल बादशाह अकबर ने शेरशाह के प्रशासन को अपनाया इसलिए शेरशाह को इसलिए शेर शाह को अकबर का क्या कहा गया तो पथ प्रदर्शक कहा गया क्या कहा गया पथ प्रदर्शक कहा गया तो शेरशाह की प्रशासन का, का प्रशंसा करते हुए किसने लिखा कि इसके समय में एक वृद्ध महिला भी टोकरी में सोना रखकर अंधेरी रात में सफर कर सकती थी यह लिखा था इतिहासकार अब्बास खां इतिहासकार अब्बास खां सरवानी ने सरवानी ने अब्बास खां सरवानी। पूछेगा शेरशाह किसने कहा था शेरशाह काली सड़क एवं सराय उसके साम्राज्य की धमनी थी इतिहासकार कानूनगो ने कहा था कानूनगो ने कहा था और याद रखना कानून नामक एक का अधिकारी होता था जिसका काम क्या होता था जिसका हो, काम होता था भूमि से संबंधित भूमि से संबंधित दस्तावेज को सुरक्षित रखना था भूमि संबंधित दस्तावेज को सुरक्षित रखना था याद रहेगा इधर आ जाइए ग्यारह में है शाहजहां जहाँ के शासन काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथों विचार कीजिए तो यहाँ पर एक में है पूछ रहा है सत्य कथन तो बुखारा और बल्क पर नजर मुहम्मद ने अधिकार कर लिया था यह बिल्कुल सही है एकदम सही है अजीज देखो अब्दुल अजीज ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया ये गलत है जहांगीर के विद्रोह विद्रोह नहीं किया था इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है एक सही आंसर हो जाता है एक जहां तक शाहजहां की बात है तो शाहजहां के समय में कुछ चीज हम आपको बताते हैं हम तो ज्यादातर उन्हीं बातों पर उसी लाइन पर फोकस देते हैं जो एग्जाम में पूछ दे जो एग्जाम में पूछ दे और सात जहां के काल में याद हमेशा रखना है सात जहाँ के समय में सफेद संगमरमर राजस्थान के मकरान नामक स्थान से मंगाए जाते थे सात जहां के समय में सफेद संगमरमर राजस्थान के मकरान नामक स्थान से मंगाए जाते थे सात की बात करते हैं सात की बड़ी बेटी जहान आरान आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराई तो सात ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था इस प्रकार जामा मस्जिद दो सात ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था इस प्रकार मोती मस्जिद दो है याद रखना है शाहजहाँ अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने के उद्देश्य से दिल्ली में शाहजहानाबाद जहां नमक नगर का निर्माण कराया था दिल्ली में शाहजहानाबाद जहां नमक नगर का निर्माण कराया था आपसे प्रश्न पूछा जाएगा शाहजहाँ की शाहजहाँ सात जहाँ के समय में सफ़ेद संगमरमर कहाँ से मंगाया राजस्थान के मकरान नामक स्थान से देखते जदवान रिवीजन हो रहा है मकरान नामक स्थान से पूछेगा सात जहाँ की बड़ी बेटी का क्या नाम था जहान आरा क्या नाम था जहान आरा जहान आरा ने कहाँ पर जमा मस्जिद का निर्माण कराई थी आगरा में तो पूछेगा सात ने कहाँ पर जमा मस्जिद का निर्माण कराया था दिल्ली में दिल्ली में पूछेगा कि साजहान ने कहाँ पर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था आगरा में पूछेगा औरंगजेब ने कहाँ पर दिल्ली मस्जिद का निर्माण मोती मस्जिद का निर्माण कराया था तो मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में साजहान ने दिल्ली में शाह किस नगर का नगर शाहजहानाबाद साज शाहजहानाबाद साजहान सा ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नगर का निर्माण कराया था यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर की बात है कि जहांगीर की जब हम बात करते हैं यहाँ यहाँ है जहांगीर जहांगीर की जब हम बात करते हैं तो जहांगीर पहला मुगल बादशाह था जिसने अपनी सेना में मराठा को शामिल किया था यादक ने पहला मुगल बादशाह था जिसने अपनी सेना में मराठा को शामिल किया जहांगीर पहला मुगल बादशाह था जिसने अपनी सेना में मराठा को शामिल किया जहांगीर ने आगरा के साबुर्ज में एवं यमुना नदी के तट पर जहांगीर ने आगरा के साबुर्ज में एवं यमुना नदी के तट पर एवं यमुना नदी के तट पर यमुना नदी के तट पर न्याय का जंजीर लगाया था न्याय का जंजीर लगवाया था जंजीर इसके खींचने से घंटियां बोलती थी और सांसा समझ आता था कोई हमसे फरियाद करने के लिए आया है कोई हमसे न्याय के लाया और यह न्याय का जंजीर किसका बना हुआ था यह सोने का बना हुआ था यह किसका बना हुआ था सोने का बना हुआ था यहां पर फिर हम देखते हैं यहां पर देखते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो यह कथन दिया हुआ है इसको सत्य चुनना है तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने पतन को रोकने का प्रयास नहीं किया बिल्कुल नहीं किया खुद योग होता तब तो रोकता यहां पर सरदार राज्य की आमदनी का एक बहुत बड़ा भाग स्वयं ले, ले लेते थे यह विधि सही है जब राजा बकलोल होगा तो उसका जो आगे पीछे रहने वाला है तो तेज हो ही नहीं जाता है सही आंसर इसका कौन हो जाएगा तो पूछ रहा है सही तो इसका सही आंसर हो जाए सी याद रखना है इस बात को कि औरंगजेब के बाद उसका बड़ा बेटा मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गति में बैठा पहले हम कहना यह चाहते हैं कि याद रखिए कि औरंगजेब के बाद जो भी राजा हुआ था वह राजा इसलिए बना था क्योंकि उसका जन्म किसी राजघराने में हुआ वर्ना राजा बनने की को उसमें कोई क्वालिटी नहीं थी और याद रखना है और औरंगजेब के बाद उसका बड़ा बेटा मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी में बैठा इसे इतिहास में हम साहेब खबर या मस्त राजा के नाम जानते हैं मुगल वंश के शासक जहाँदार शाह को इतिहास में हम लंपट मूर्ख बादशाह के नाम जानते हैं और यह लंपट मूर्ख बादशाह के नाम जानते हैं तो वहीं मुगल वंश के शासक फरूख सियर को इतिहास में हम घृणित कायर बादशाह के नाम जानते हैं तो मुगल वंश के शासक मोहम्मद शाह को इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम जानते हैं इनका नाम सुनकर इनकी उपाधि देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोग कितने योग्य थे और मुगल वंश के शासक शाह आलम द्वितीय समय में अंग्रेज़ों ने अठारह ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था और जफर इसलिए कहा गया क्योंकि अच्छा शायर था जितने मुग़ल बादशाह थे वो सब फारसी में लिखते थे लेकिन बहादुर शाह जफर एक ऐसा राजा था जो उर्दू में लिखता था उर्दू में लिखता था आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन बैठा तो मोहम्मद 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 मुअज्जम मोहम्मद मुअज्जम और मुहम्मद औरंगजेब के बाद उसका बड़ा बैठा मोहम्मद मोम्मद मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से बहादुर शाह बहादुर शाह प्रथम के नाम से गदी बैठा इसे इतिहास में हम क्या कहते इस इतिहास में शाह ए बेखबर शाह ए बे खबर या मस्त राजा या मस्त राजा के नाम जानते हैं ठीक ना मुगल वंश के शासक जहादार शाह को जहादार शाह को इतिहास में किस नाम जानते हैं इतिहास पे हम लम्पट लम्पट मूर्ख बादशाह के नाम जानते हैं तो मुगल वंश के शासक फरूख सियर को फरुख सियर को इतिहास में किस नाम जानते हैं इसे घृणित इसे घृणित कायर बादशाह के नाम जानते हैं यह अपना राज्याभिषेक पटना में करवाया था याद रखना है और मुगल वंश के शासक मुहम्मद शाह को मोहम्मद शाह को इतिहास में किस नाम जानते हैं इसे इतिहास में हम रंगीला बादशाह के नाम से रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं पूछेगा मुगल वंश के शासक कौन था तो शाह आलम शाह आलम द्वितीय था कौन था शाह आलम द्वितीय था और इसके समय में अठारह सौ तो ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था बहादुर शाह बहादुर शाह जफर था बहादुर शाह जफर था और यह क्या था शायर था किस भाषा में लिखता था यह उर्दू में लिखता था सभी मुगल बादशाह फारसी में लेकिन बहादुर शाह जफर उर्दू में लिखता था ठीक है आइए यहां पर अब देखिए मराठों के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अहमदनगर और बीजापुर की सेनाओं में मराठे ऊंच पद पर आसीन थे बिल्कुल सही है और दक्षिणी राज्यों तथा मुगलों दोनों ने मराठों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की ये बिल्कुल सही है राजपूतों की भांति मराठों का एक सुप्रतिष्ठित राज्य था गलत है तो यहाँ पर कह रहा है सत्य की चुनने के लिए तो सत्य में कौन हो जाएगा एक और दो ऑप्शन में देखेंगे एक दो कहाँ तो ए में है सही आंसर ए देखो मराठों के उत्कर्ष की जो बात करते हैं तो मराठों के उत्कर्ष के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं नंबर एक कारण माना जाता है औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति नंबर एक में औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति औरंगजेब ने हिंदू विरोधी नीति अपनाया तो औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति ने मराठों में एकता का संचार कर दिया अब दिल्ली में अगर हैं दिल्ली में लोग कहे बिहारी ऐसा बिहारी वैसा तो स्वाभाविक है दिल्ली में रहने वाला सारा बिहारी तो एक हो जाएगा तो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति ने मराठों में एकता का संचार कर दिया और मराठा सोचा अगर हम मराठा एक नहीं रहेंगे तो औरंगजेब हमारे अस्तित्व को बर्बाद कर देगा इस प्रकार औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति ने मराठों में एकता का संचार कर दिया नंबर दो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति पहाड़ों एवं पठारों से भरी पड़ी थी यहाँ छुपने के लिए एक सौ स्थान था और छोटी छोटी सेना छुपकर बड़ी से बड़ी सेना को पराजित कर सकती थी नंबर तीन दक्ष नंबर तीन धर्म सुधारकों का प्रभाव दक्षिण भारत में जितने भी समाज सुधारक धर्म सुधारक थे और उन्होंने हाथ का इशारा दिया और बताया कि हाथ में ये छोटा छोटा उंगली अलग अलग है इसकी कोई महत्ता नहीं है और इसी उंगली को छोटा छोटा उंगली को हम एक कर दें तो इसी को हम पावर कहते हैं पहली बार माठा ने समझा एकता में ताकत होती है नंबर चार में देखते हैं दक्षिण भारत के जो भी मुस्लिम शासक थे दक्षिण भारत के मुस्लिम शासकों की बढ़ती कमजोरी तो दक्षिण भारत के जितने भी मुस्लिम शासक थे उनमें इतनी ताकत नहीं रह गई कि मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोक सके इस तरह के वातावरण में महाराष्ट्र के धरती पर एक सेनानायक का उदय हुआ जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी तो मराठा के मराठा की बात जब हम कर रहे हैं तो आगे आप पूछेगा नंबर मराठा के उत्कर्ष के क्या क्या कारण थे तो औरंगजेब का नंबर एक में औरंगजेब का औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति औरंगजेब का हिंदू हिंदू विरोधी नीति नंबर दो में महाराष्ट्र की महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का भौगोलिक स्थिति महाराष्ट्र का भौगोलिक स्थिति नंबर तीन में समाज सुधारकों का प्रभाव समाज सुधारकों का समाज सुधारकों का प्रभाव नंबर चार में दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के मुस्लिम शासकों की दक्षिण भारत के मुस्लिम शासकों की बढ़ती कमजोरी शासकों की बढ़ती कमजोरी और नंबर पांच में शिवाजी का व्यक्तित्व शिवाजी का व्यक्तित्व व्यक्तित्व ठीक ना आ जाइए अब देखें चौदह में देखें चौदह में देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कंपनी ने अठारह ईस्वी में कंपनी ने अठारह ईस्वी में अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया और यहाँ पर औसत कथन की चुनने की बात करें कंपनी ने अठारह ईस्वी में अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया यह गलत है नियंत्रण में नहीं लिया नियंत्रण में ले लेना बिल्कुल नहीं अवध के नियंत्रण हेतु अंग्रेजों ने यह तर्क दिया कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से मुक्त कराने हेतु ऐसा किया गया या नहीं इसका सही आंसर होगा क्या और कंपनी ने अठारह सौ सत्तावन ईस्वी में अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया और कंपनी ने अठारह सौ सन्तावन ईस्वी अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया अवध के नियंत्रण हेतु अंग्रेज़ों ने यह तर्क दिया कि अवध की जनता को अवध की जनता को नवाब के कुशासन से मुक्त कराने हेतु ऐसा किया और इसका सही आंसर ये वाला सही होगा ए रहने दीजिए इसका ए रहने दीजिए लेकिन यहाँ पर हम देखते क्या हैं कि हम देखते हैं कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध के बेगम हजरत महल ने की थी लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध के बेगम हजरत महल ने की थी बेगम हजरत महल लखनऊ पर अधिकार करके अपने बेटे बिरजिस कदर को लखनऊ का नवाब घोषित की थी बेगम हजरत महल पराजित होकर भागकर कर नेपाल चली गई जहां पर उनकी मौत हो गई लखनऊ के विद्रोह को दबाने सिरे अंग्रेज कैम्पेल को जाता है अंग्रेज कैम्पेल को जाता है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे दत्तक पुत्र उसे कहा गया जिस बच्चे को गोद लिया जाए नाना साहब का साथ एक मराठा सरदार ने दिया था जिसका नाम टाट्या टोपे था टाट्या टोपे का वास्तविक नाम राम तनु पांडे था रामचंद्र ताट्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था नाना साहब भी पराजित होकर भाग कर नेपाल चले जहां पर उनकी मौत हो गई अठारह सौ संतावन के विद्रोह समय बेगम हजरत और नाना साहब दो ऐसे थे जो भागकर नेपाल चले गए जहाँ पर उनकी मौत हो गई लखनऊ एवं कानपुर के विद्रोह को दबाने का श्रेय अंग्रेज कैंपबेल को जाता है अंग्रेज कैंपबेल अठारह सौ के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अठारह सौ अवध के बेगम कौन थी तब अवध के बेगम हजरत बेगम हजरत महल थी बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल के बे ने लखनऊ पर अधिक कहाँ पर अधिकार करके लखनऊ पर अधिकार करके अपने बेटे वीरजिस अपने बेटे बिरजिश कदर को किसको को बिरजिश कदर को लखनऊ का नवाब घोषित की और बेगम हजरत महल को इतिहास में क्या कहा गया महक परी महक परी के नाम जानते हैं ये भाग कर कहाँ चली गई नेपाल चली गई जहाँ पर इनकी क्या हो गई मृत्यु हो गई और लखनऊ के विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको जाता अंग्रेज कैम्प को जाता अंग्रेज कैंप बेल को जाता है कानपुर के विद्रोह को कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था तो नाना साहब किए थे नाना साहब नाना साहब कौन थे अंतिम पेशवा नाना साहब अंतिम पेशवा बाजी बाजीराव द्वितीय के बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे दत्तक पुत्र उसे कहा गया जिस बच्चे को गोद लिया जाए जिस बच्चे को गोद लिया जाए जिस बच्चे को गोद लिया जाए नाना साहब का साथ एक मराठा सरदार ने दिया उसका नाम क्या था उसका नाम डांटिया टोपे था डांटिया टोपे टाटिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था रामचंद्र रामचंद्र पांडू रंग था क्या था पांडू रंग था नाना साहब पराजित होकर कहाँ चले गए नेपाल चले गए जहाँ पर उनकी मौत हो गई इस प्रकार कानपुर एवं लखनऊ के विद्रोह को दबाने के श्रेय किसको जाता है तो कानपुर एवं लखनऊ के विद्रोह को दबाने के श्रेय अंग्रेज कैंप बेल को जाता है और यह अंग्रेज कैम्प बेल अठारह के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था ठीक ना अपने विचार को देते जाएं हम लिखते हैं क्या करते हैं हाँ जो क्वेश्चन छप गया है हाँ सही बात है जो प्रश्न छप गया है वह छप गया है और हम कोशिश करते हैं आज आपका मैसेज हम पहुंचाते हैं और ठीक ना कोशिश करेंगे आपकी बात रखा जाए क्योंकि देखिए कुछ भी चीज़ आप बोले यहाँ पर तो वहाँ पर एक कोर कमिटी होता है वो कोर कमिटी के निर्णय के अनुसार ही सारा चीज़ होता है क्वेश्चन किसी तरह का दिया जाए या मेरा है लेकिन एक वो चीज़ है ये जितने भी प्रश्न है ये साधारण प्रश्न नहीं है ये साधारण प्रश्न नहीं है और इस तरह के प्रश्न को प्रैक्टिस करके दिए जाया जाए तो बहुत फायदा मिलेगा अजय ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल किया था महाल किया था देखिए यहाँ पर महाल और इसका सही आंसर हो जाएगा ए तब गांव या गाँव के समूह को महाल कहा गया और यहीं से बना है माहलवाड़ी प्रथा माहलवाड़ी प्रथा और याद रखना है और माहलवाड़ी प्रथा में भू राजस्व का जो वसूली होती थी गांव के मुखिया के द्वारा होता था <धाह> याद रखना है महाल गाँव के समूह को महाल कहा गया और यहीं से बना माहलवाड़ी प्रथा और माहवाड़ी प्रथा में लगान की वसूली गाँव के मुखिया गाँ के द्वारा किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी में महालवाड़ी प्रथा प्रारंभ किया था यह प्रथा प्रारंभ किया यूपी यूपी पंजाब एवं मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया था और यह प्रथा कुल भूमि के 30 प्रतिशत भूमि पर यह प्रथा को लागू किया गया था आ जाइए यहाँ पर सुमेलित करने के लिए कर रहा है कि झांसी तो झांसी में को यहाँ पर हम देखते हैं लखनऊ पकड़ लेते हैं और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला हाँ लखनऊ में की बात करते हैं तो बेगम लखनऊ है ना लेकिन बेगम हजरत महल अभी बोले लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और बेगम हजरत महल को महक परी कहा गया लखनऊ आ गए कानपुर में कौन हो अजीमुल्ला अजीमुल्ला झांसी में कौन आ गया झांसी की रानी झांसी की रानी फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और याद रखना है कि मौलवी अहमदुल्ला को अंग्रेज़ अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे कहते थे कि जो मौलवी अहमदुल्ला का सर काट कर लाएगा उसे 25 लाख रुपए देंगे इनाम के तौर पर यहाँ पर बेगम हजरत महल को इतिहास में पर महक परी के नाम जानते हैं या अवध के बेगम थी और लखनऊ पर अधिकार करके अपने बेटे बिरजिस कदर को कुछ समय के लिए लखनऊ का नवाब घोषित की थी अभी इस सारे चीज़ पर डिस्कस हो चुका है झांसी की रानी का वास्तविक नाम मणिकर्णिका थी इनके पति का नाम गंगाधर राव था पुत्र का नाम दामोदर राव था झांसी की रानी कालफी के युद्ध में अंग्रेज़ हीरोज के साथ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की और झांसी की रानी की मृत्यु पर अंग्रेज़ हीरोज ने कहा था यह क्रांतिकारियों में अकेली महिला मर्द है और झांसी की रानी की समाधि ग्वालियर में है ये सारा चीज़ पर डिस्कस कर चुके हैं आगे बढ़ते हैं एक ही चीज़ को बार बार क्या लिखा जाए यहाँ पर देखते हैं आगे का प्रश्न ये हो जाता है और और यहाँ पर है कि देखते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी अट्ठाईस ईस्वी में तो यहाँ पर मद्रास महाजन सभा की स्थापना अठारह ईस्वी में तो मद्रास डी का और हम तीन देखेंगे डी का तीन तो डी का तीन किसी में आंसर है है यैया और इसका सही आंसर हो जाता है बी सही आंसर होता है बी बी आ जाता है सही आंसर बी समझिए कि नहीं सही आंसर इसका हो जाएगा बी सत्रह का बी आइए नंबर अठारह में निम्न कथनों पर विचार कीजिए वर्ष उन्नीस सौ अठारह ईस्वी में गांधी जी ने अहमद उल्लाह के मजदूरी और मील और वर्ष उन्नीस सौ अठारह में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मजदूरों और मील मालिकों के बीच के विवाद में हस्तक्षेप किया बिल्कुल ये सही है सत्यकथन चुनने के लिए कहता है ये बिल्कुल सही है उन्हें मजदूरों की मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत वृद्धि मांगी बिल्कुल गलत है उन्होंने मजदूरों के अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर जाने के लिए कहा यह बिल्कुल सही है उन्होंने इस आंदोलन के दौरान स्वयं आमरण अनशन किया यह भी सही है तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए क्या एक तीन चार एक तीन चार है इसका आंसर हो जाएगा सी याद रखना है महात्मा गांधी ने उन्नीस सौ अठारह ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद जिले में महात्मा गांधी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मील मजदूरों के पक्ष में आंदोलन प्रारंभ किया था मील मालिक एवं मजदूरों के बीच विवाद का मुख्य कारण प्लेग बोनस था यह प्लेग चूहे से फैलने वाली बीमारी होती है मील मालिक का नाम अम्बालाल सारा भाई था इस अम्बालाल सारा भाई की बहन का नाम बेन थी और अनुसुईयाबेन ने गांधी का साथ दी और महात्मा गांधी जब गांधी का साथ दी तो अम्बालाल सारा भाई को झुकना पड़ा और वह गांधी जी के सामने झुक गया और कहा कि एक काम करो कि तो हम दोनों मिलकर आंदोलन करते हैं गांधी जी की इस सफलता से गांधी जी कर, इस खुश होकर उन्नीस सौ में अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन का गठन किया था आपसे प्रश्न पूछा जाएगा महात्मा गांधी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा महात्मा गांधी कब तो उन्नीस सौ में कब तो उन्नीस सौ में कहाँ अहमदाबाद में मिल मजदूरों के पक्ष में मिल मजदूरों के पक्ष में मील मजदूरों के पक्ष में अपना आंदोलन किया था अपना आंदोलन किया था अब है कि मील मालिक एवं मजदूरों की भी विवाद का मुख्य कारण क्या था तो विवाद का मुख्य कारण प्लेग बोनस था प्लेग बोनस अब प्लेग क्या है तो चूहे से फैलने वाली बीमारी तो प्लेग समाप्त हो जाने बाद और ये मजदूर इस बोनस को बरकरार रखना चाहते थे जबकि कारखाना मालिक इसे समाप्त कर देना चाहते थे तो महात्मा गांधी मजदूरों के पक्ष में आंदोलन प्रारंभ किया उन्नीस सौ और मालिक का नाम क्या था अंबालाल, अंबालाल, अंबालाल सारा भाई अम्बालाल सारा भाई यह कौन था गांधी का मित्र था और साबरमती आश्रम के निर्माण में गांधी को बहुत सारा धन दिया था अम्बालाल सारा भाई की बहन का नाम क्या था अनु सुबेन और ये किसका शादी थी गांधी की गांधी जी ने अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल्स एसोसिएशन का गठन कब किया था उन्नीस तो ईस्वी में उन्नीस ईस्वी में जाइए यहाँ पर है बीसवें वर्ष उन्नीस के प्रांतीय चुनाव में मुसलमानों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित थी तो मुसलमानों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित थी तो चार सीट थी और चार सौ बेरासी में मुस्लिम लीग कितने सीट पर जीत दर्ज की तो एक सौ उन्नीस पर हम देखते हैं कि उन्नीस सौ पैंतीस के अधिनियम के तहत उन्नीस सौ सैंतीस ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में कांग्रेस कुल मिलाकर आठ प्रांत में अपनी सरकार बनाई कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र दे देने से खुश होकर मुस्लिम लीग बाईस दिसंबर उन्नीस सौ उनचालीस ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था और देखते हैं कि आगे चलकर मुस्लिम लीग सोलह अगस्त उन्नीस सौ छियालीस ईस्वी को पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया इसके तहत हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक लोग बंगाल के नोआखाली में मारे गए थे बंगाल के नोआखाली में मारे गए थे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत उन्नीस सौ के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा का चुनाव कब हुआ उन्नीस ईस्वी में इसमें कुल मिलाकर कांग्रेस ने कितने प्रांत में सरकार बनाई तो आठ प्रांत में कितने प्रांत में आठ प्रांत में और कांग्रेस ने शर्त रखी कि अंग्रेजी सरकार से कुछ भी निर्णय लीजिए तो हमसे पूछ कर लीजिए ठीक ना लेकिन वक्त था द्वितीय विश्व युद्ध का बिना भारत के धरती की अनुमति के भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया तो कांग्रेस जो है आठों प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस द्वारा आठों प्रांतों से त्यागपत्र देने के कारण इससे खुश होकर मुस्लिम लीग बाईस दिसंबर उन्नीस ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को 16 अगस्त 1946 ईस्वी को पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया और इसके तहत हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिसमें सबसे अधिक लोग बंगाल के नोआ खाली मारे गए नोआ खाली मारे गए यहां पे देखिए निम्न में से किस रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में मिलाया गया और जनमत संग्रह पूछ रहा है तो जनमत संग्रह के द्वारा मनाया जनमत इसका सही आंसर होगा जूनागढ़ यानी कि याद रखें देश की आज़ादी समय भारत में कुल पाँच देसी रियासत थे पाँच में से पाँच के अलावा जूनागढ़ हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश का विलय पाकिस्तान में किया गया देश का विलय पाकिस्तान में किया गया हैदराबाद का विलय भारत में किस सैन्य कार्यवाही पर सैन्य कार्यवाही के आधार पर किया गया था और कश्मीर का विलय भारत में किस पर विलय पत्र के आधार पर विलय पत्र के आधार पर जूनागढ़ का जनमत संग्रह जनमत संग्रह मतलब यह हुआ कि देश की आजादी से भारत में कुल पांच सौ बासठ देशी रियासत थे 562 में से पाँच के अलावा हैदरा हैदराबाद जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष काबिला पाकिस्तान में किया गया हैदराबाद का विलय भारत में सैन्य कार्यवाही के आधार पर कश्मीर का विलय विलय पत्र के आधार पर और जूनागढ़ के विलय जन्म संग्रह के आधार पर हुआ था इन तीन में से सबसे अंत में हैदराबाद का विलय किया गया था हैदराबाद का विलय किया गया था यहां देखिए बाईस में बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री में आता है ना बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी और इस इसकी, इसकी क्या मांग थी तो इसकी मांग क्या थी ज़मींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई किया जाए अब ये प्रश्न उभरता है बंगाल के तेभागा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया उन्नीस से उन्नीस के दौरान प्रारंभ किया गया था पूछेगा कि छियालीस दाम पर प्रारंभ किया गया था पूछेगा आपको यह तेभागा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे तो तेभागा आंदोलन के प्रमुख भवन सिंह थे भवन सिंह थे और कौन थे कंपराम सिंह कंप राम सिंह पूछेगा यह आंदोलन कहाँ कहा हुआ था कहाँ हुआ था तो बंगाल में हुआ था कहाँ हुआ था तो बंगाल में पूछेगा कि त्यगागा आंदोलन का समय क्या है उन्नीस सौ छियालीस उन्नीस सौ और ये आंदोलन कहाँ हुआ था बंगाल में इसके प्रमुख कौन थे नेता तो भवन सिंह और कंपराम सिंह पूछेगा बंगाल के तेवर आंदोलन की क्या मांग थी तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना ठीक ना आ जाइए यहाँ पर हम यहाँ पर फिर देखिए आया बी शिक्षक भर्ती फोर है और सिक्स एट नाइन्थ टेंथ की बात की जा रही है और सारा चीज का बैच जारी है आप चाहें तो शिक्षक के लिए भी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं और फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है और जबरदस्त है फाउंडेशन बैच अच्छे अच्छे टीचर लॉन्च हुए हैं फाउंडेशन बैच के लिए अगर वक्त मिले तो आप यहाँ पर ज्वाइन करने का प्रयास करें आगे देखें यहाँ यहाँ पर है तेईस में देखे ब्रास्टील किला लोगों की घृणा का केंद्र था क्योंकि सम्राट की निरंकुश शक्तियों के प्रतीक होने के कारण अब ये प्रश्न उभसता है वास्टिल ये किला कहाँ है तो ये किला रूस की सरजमी पर स्थित है चौदह जुलाई सत्रह सौ नवासी ईस्वी को पेरिस की, की भीड़ ने वास्टिल किला को तोड़कर कैदियों कर को बाहर निकाल लिया इसी सफलता को देखते हुए प्रतिवर्ष फ्रांस की धरती पर चौदह जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है आपसे प्रश्न पूछा जाएगी कि वास्टिल का किला कहाँ है तो फ्रांस में है तो कहाँ की भीड़ ने इस किला को तोड़ा था तो पेरिस की, की भीड़ ने कहाँ की भीड़ पेरिस की भीड़ ने तोड़ा था कब तोड़ा था तो चौदह कब तोड़ा था चौदह जुलाई सत्रह सौ नवासी को तोड़ा था और निकाल तोड़कर क्या किया समस्त कैदियों को बाहर निकाल लिया और यह सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है और इसी सफलता को देखते हुए प्रत्येक वर्ष फ्रांस की धरती पर चौदह जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है यहां पर है फ्रांस एक देखो यहां पर यह भी वर्ल्ड हिस्ट्री ही है जवान कहा गया जी भाग जाता है चौबीस देखो यहां पर चौबीस में फ्रांस के इतिहास में देखिये तो एक तरफ से यहाँ तो वर्ल्ड ही हिस्ट्री है देखो यहाँ पर फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा क्यों देश की और देश की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति के कारण देश के बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति के कारण गए और याद रखना है कि या देश की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति कारण और फ्रांस में हुए गृह युद्ध के कारण तो उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है इसका सही आंसर उपयुक्त एक से अधिक अब यहाँ पर है कि लियो ब्लूम की बात करते हैं तो ये लियो ब्लूम ये फ्रांस के पहले समाजवादी एवं पहले यहूदी प्रधानमंत्री थे याद रखना है लियो ब्लूम जो थे लियो लियो ब्लूम फ्रांस के पहले समाजवादी फ्रांस के पहले समाजवादी एवं एवं यहूदी नेता थे जो प्रधानमंत्री बने थे यार कहाँ गया कोई जल्दी आइए भाई चौबीस पर नहीं पच्चीस नहीं आ रहा है देख सर देख देखो पच्चीस क्यों नहीं आ रहा हो गया ठीक है भारती साहब आपको पढ़ा रहे हैं ना आपका मैसेज देख रहे हैं सारा मैसेज देख रहे हैं यहाँ पर देखें नंबर पच्चीस में सत्य कथन की पहचान करें और सत्य कथन की पहचान करने के लिए कर रहा है रूसी सेना के कैडेटों को सरकारी इमारतों की रक्षा का, का काम जिन्होंने सौंपा गया उन्हें जंकर्स कहा जाता है याद रखना इतने जंकर्स कहा जाता बोल सीविकों के प्रति वफादार नाबिकों द्वारा पेट्रोगार्ड में लाया गया रूसी क्रूज को क्या कहा गया अरोरा कहा गया ये दो कोटेशन को याद रखना है जंकर्स जंकर्स और अरोरा, अरोरा अब पूछेगा जंकर्स किसे कहा गया तो रूसी सेना के कैडेटों को सरकारी इमारतों की रक्षा का काम जिन्हें सौंपा गया उन्हें जंकर्स कहा गया अरोरा किसे कहा गया बोलसिविकों के प्रति वफादार नाबिकों द्वारा पेट्रोगार्ड में लाया गया रूसी क्रूज को अरोरा कहा जाता यहाँ पर देखिए अभी सीनिया युद्ध के बाद आ, बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के एक दूसरे के काफ़ी करीब आगे इसका सही आंसर होगा जर्मनी और इटली अब हम देखते हैं इटली एवं इथोपियाई साम्राज्य को इटली एवं इथोपियाई साम्राज्य को कहा जाता है एबिसिनिया के नाम जानते हैं और एबिसिनिया संकट कब प्रकाश में आया था तो 1935 सौ ईस्वी में आया था और एबिसिनिया संकट को एबिसिनिया संकट 1935 सौ ईस्वी में आया था और इस संकट की शुरुआत इटली से हुई थी और ये संकट के बाद ही जर्मनी और इटली दोनों एक दूसरे के करीब आ गया यहाँ पर यह देखना है अभी सीनियन युद्ध के बाद कौन सा दो राष्ट्र एक दूसरे के काफी करीब आ गया तो जर्मनी और इटली याद रखना है इटली एवं इटली एवं इथोपियाई साम्राज्य साम्राज्य को हम को हम, अभी सी, अभी के नाम जानते हैं अभी के नाम जानते हैं और अभी संकट का प्रकाश आए थे उन्नीस सौ पैंतीस ईस्वी में और यह संकट कहां से शुरू हुआ था इटली से और इिनिया संकट के समय दो राष्ट्र एक दूसरे काफी करीब आ गए जिनका नाम था जर्मनी और इटली यहां पे नेविगेशन एक्ट और यह कब पारित हुआ था तो सोलह इक्यावन ईस्वी में नेविगेशन एक्ट को ही हम नौवहन अधिनियम कहते हैं और यह या एक्ट या कब पारित किया गया था सोलह इक्यावन ईस्वी में कहाँ पाया गया या कहाँ पारित किया गया था इंग्लैंड में उद्देश्य क्या था तो नौवहन को प्रोत्साहन देना नौवहन को प्रोत्साहन देना आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नेवी नेविगेशन नेविगेशन एक्ट को क्या कहते हैं तो नौवाहन नौवाहन अधिनियम कहते हैं नौवाहन अधिनियम कहते हैं यह अधिनियम कब पारित किया गया था सोलह सौ इक्यावन ईस्वी में कहाँ पर पारित किया गया तो इंग्लैंड में किया गया था कहाँ इंग्लैंड में उद्देश्य क्या था नौवाहन को नौवाहन को नौवाहन को प्रोत्साहित करना क्या करना प्रोत्साहित करना नौवाहन को प्रोत्साहित करना अट्ठाइसवें ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कहा था कि अमेरिका क्रांति में इंग्लैंड की महान क्रांति को अंजाम दिया ये कौन कहा था जोसेफ प्रिस्ले ने कहा था याद करना है इंग्लैंड की धरती पर सोलह सौ में जो क्रांति हुई इसे हम गौरवपूर्ण क्रांति के नाम जानते हैं गौरवपूर्ण क्रांति को हम गौरवपूर्ण क्रांति को हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं गौरवपूर्ण क्रांति को हम रक्तहीन क्रांति के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस क्रांति के तहत किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ था गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड के सम्राट जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इंग्लैंड की धरती पर गौरवपूर्ण गौरवपूर्ण क्रांति गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी तो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति को किस नाम से जानते हैं तो गौरवपूर्ण क्रांति को हम रक्तहीन क्रांति के नाम जानते हैं किस नाम जानते हैं तो रक्तहीन क्रांति के नाम जानते हैं रक्तहीन और इस क्रांति के के रक्तहीन रक्तहीन क्रांति 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 इसे क्यों कहा गया क्योंकि इसके तहत किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ था और इंग्लैंड की धरती पर जब रक्तहीन क्रांति हुई उस समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था उस समय इंग्लैंड का सम्राट जेम्स प्रथम था निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर सिप सिलियांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह की शुरुआत हुई इसका सही आंसर है अठारह ईस्वी में और देख और हम देखते हैं पहले यूनान को ग्रीक के नाम जाना जाता था यूनान को पहले ग्रीक के नाम जाना जाता था भारतीय साहित्य में यूनानी को यवन के नाम से पुकारा गया है और यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी अठारह ईस्वी में पहले यूनान को ग्रीक के नाम जाना जाता था भारतीय साहित्य तो यूनानी को यवन के नाम पुकारा गया है और यूनान को स्वतंत्रता का मिली अठारह सौ तीस ईस्वी में यहाँ पर इतिहासकारों के अनुसार उन्नीसवीं सदी के मध्य में औसत मजदूर कौन था औसत तो मजदूर कौन था तो ये भी होगा और पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर मजदूर को तो समझ ही रहे हैं शिल्पकार में एक वर्ग नहीं कई वर्गों के समूह होते थे और यह वर्ग छेनी हथौड़ी से कठोर पत्थर को काटकर कलात्मक रूप देकर पत्थर के मूर्ति बनाते थे ऐसे वर्ग को कहा गया शिल्पकार वर्ग इसका सही आंसर तीस होगा यहाँ पर उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज के समान सामने निम्न में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था तो प्राथमिक शिक्षा मुद्दा नहीं था उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्न से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था इसका सही आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा ये सब मुद्दा बाद में बना था बत्तीस में है रूसी इतिहास में किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है इसका सही आंसर है और 1905 की क्रांति 1905 बात यह हुआ था कि फ्रांस की सरकार ने फ्रांस की जारशाही सरकार ने 1905 ईस्वी में फ्रांस के फ्रांस के सेना को यह आदेश दिया कि निर्दोष मजदूर बच्चे एवं उनके बीवी के जुलूस पर गोली चलाया जाए तो राजा का आदेश मिलते ही इन लोगों पर गोली चली और बृहद पैमाने पर लोग मारे गए यह दिन रविवार का था इसलिए इसे कहा गया खूनी रविवार। और यह घटना यह घटना कब हुई थी रूस की धरती पर 1905 में जनवरी बाईस जनवरी 1905 को बाईस जनवरी 1905 को रूसी रूस की जारशाही सरकार ने निर्दोष मजदूर बच बच्च, उनके बच्चे एवं बीवी के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया जिसमें हजारों लोग मारे गए वह दिन था रविवार इसलिए इसे खूनी रविवार कहा गया और इसकी ये खूनी रविवार घटना कब घटी तो बाईस और बाईस जनवरी 1905 को कहाँ तो रूस यहाँ पर तैतीस में किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है इसका सही आंसर होगा ए उन्नीस सौ की विश्व आर्थिक मंदी तो उन्नीस के विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो अमेरिका से हुई थी कहाँ से अमेरिका से और यह मंदी की शुरुआत होती ही अमेरिका की धरती पर बेरोजगारी फैल गई लोग भूख से मरने लगे यह बेरोजगारी का आलम सिर्फ अमेरिका ही तक नहीं पूरे विश्व में छा गया और पूरे विश्व में भूखमरी मर गई इस प्रकार पूरे विश्व में भूखमरी फैल गई उन्नीस के यह आर्थिक मंदी से सबसे अधिक प्रभाव अमेरिका पर पड़ा तो वहीं उन्नीस के विश्व आर्थिक मंदी का सबसे कम प्रभाव फ्रांस पर पड़ा था याद रखना है फ्रांस पर पड़ा था आइए यहाँ पर यहाँ पर चौंतीसवें तीन अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के साथ में अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया है और इसका सही आंसर क्या है छपरा देखो जवान खाली यहाँ पर तो वर्ल्ड हिस्ट्री है और खाली यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री है आप कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं है देखिए खाली तो मॉडर्न और वर्ल्ड ही है यहाँ पर क्वेश्चन देखा करो पहले देखो इसका सही आंसर है छपरा लेकिन यहाँ छपरा में याद रखना है छपरा के कैदियों ने स्वदेशी की मांग को लेकर छपरा की कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था यानी कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया पूछेगा नंगी हड़ताल कहाँ से हुआ तो बिहार में बिहार में कहाँ छपरा से याद रखना है छपरा से नंगी हड़ताल किसको लेकर सौ स्वदेशी की मांग को लेकर स्वदेशी की मांग को लेकर पूछेगा नंगी हड़ताल कहाँ तो बिहार बिहार में कहा छपरा छपरा में किस लिए सौदेसी की मांग को लेकर यहाँ यहां में श्री जेबी देखते खाली तो यहीं पर मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं देखो श्री जेबी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे तो इसका सही आंसर होगा सी भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के प्राध्यापक थे याद रखना है भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज कोई एलएस कॉलेज के नाम था एलएस कॉलेज एलएस कॉलेज के नाम जानते हैं और ये कॉलेज कहाँ है तो मुजफ्फरपुर में है ये भी कृप्लानिए थे जो चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के लिए रूपरेखा तैयार किया था जब भी कृपलानी उन्नीस सौ पंद्रह ईस्वी में शांति निकेतन में गांधी से मिलकर कहा था दक्षिण अफ्रीका जैसे आंदोलन चलाया जाए भारत में और गांधी के हर कदम पर थे और गांधी के इशारे पर ही उन्होंने भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज जिसे एल एस कॉलेज कहते हैं कि नौकरी छोड़ दी थी यहाँ पर देखिए बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुसं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया तो इसका सही आंसर होगा ए 18 अक्टूबर 1917 18 अक्टूबर 1917 1917 और ये सत्रह किसका समय आता है चंपारण सत्याग्रह का कौन तो चंपारण सत्याग्रह लीजिए यहाँ पर यहाँ पर सैंतीस में है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था हाँ गलत है गलत है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन सब भारतीय राष्ट्रीय गांधी जी इरविन समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का अंत इसका आर सही ए और आर दोनों ए आर दोनों नहीं ए गलत है परंतु आर सही है ए गलत है परंतु आर सही है याद रखना है और जवाहरलाल ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन उन्नीस में हुआ था आ नहीं उन्नीस सौ प्रथम गोलमेज सम्मेलन याद रखना है तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था जिसका उद्देश्य भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार विमर्श करना था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन उन्नीस ईस्वी में हुआ था इसमें कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन उन्नीस में हुआ इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी ने भाग लिया था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन समय हमारा उन्नीस सौ बत्तीस ईस्वी इसमें भी कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था तो लंदन में जिसका उद्देश्य क्या था भारतीय संघ की जिसका उद्देश्य भारतीय संघ की संघ की रूपरेखा पर रूप रेखा पर विचार विमर्श करना विचार विमर्श करना विचार विमर्श करना प्रथम गोल में सम्मेलन का आयोजन उन्नीस में इसमें कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया द्वितीय का आयोजन उन्नीस में इसमें कौन भाग लिया था महात्मा गांधी कौन महात्मा गांधी भाग लिया लेकिन द्वितीय गोल में सम्मेलन की बात यह है यह सांप्रदायिकता के परस्पर यह असफल हो गया था तृतीय गोल में सम्मेलन का आयोजन उन्नीस ईस्वी में इसमें कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, दीन ना दीन ना दीन ना दीन नहीं लिया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे नेता थे भारत के तीनों गोल में सम्मेलन भाग लिया था देखो एक साइड से वर्ल्ड और मॉडर्न हिस्ट्री है बताओ उसे दोषी ठहरा रहे थे यहाँ पर यहाँ पर अड़तीस में ऑल इंडिया इंडियाबिलिटी अं, 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 ऑल इंडिया अनचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित से कौन थे इसका सही होगा जी डी बिरला याद रखना है कि अस्पृश्यता ओ अस्पृश्यता ओ निवारक संघ की स्थापना 1932 सौ ईस्वी में हुई थी 1933 सौ ईस्वी में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया हरिजन सेवक संघ कर दिया गया हरिजन सेवक संघ के पहला पहला हरिजन सेवक संघ के पहला अध्यक्ष इसको बनाया था इसके प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था जे डी बिरला को तो महासचिव बनाया गया था किसको अमनीत अमृत लाल विठल दास ठक्कर को आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और अस्पृश्यता और निवारक निवारक संघ की स्थापना संघ की स्थापना कब हुई थी तो उन्नीस ईस्वी में 1933 ईस्वी इस में इसका नाम बदलकर हरिजन हरिजन सेवक संघ कर दिया गया इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था जी डी बिरला को बनाया गया किसको जी डी बिरला पहले महासचिव किसको बनाया गया था अमृतलाल अमृतलाल विठलदास, दास बिठल दास अक्कर को बनाया गया था यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जानते हैं ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अम्बेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और ज्योतिबा फूले ये पुणे में अठारह ईस्वी में और सत्यशोधक समाज के की स्थापना की किसके लिए अछूतों की सुधार के लिए आ जाए उनचालीस में आते हैं महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह को चुना गया था विनोबा भावे महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रही कौन थे विनोबा भावे कौन थे महात्मा गांधी पहले सत्याग्रही विनोबा भा थे दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे विनोबा भाभी ने सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौस्वी को विनोबा भाई ने सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ बिनोबा भाबे ने सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ चालीस ईस्वी को महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया था चलाया था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत स्वभिनय अभियान आंदोलन के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रही कौन थे तो विनोबा भावे कौन विनोबा भावे दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू तीसरे सत्याग्रही ब्रह्म दत्त थे ब्रह्म दत्त तो विनोबा भावे ने कब सत्याग्रह सत्रह अक्टूबर अक्टूबर 1940 सौ ईस्वी को चलाया था कहाँ महाराष्ट्र के कहाँ से महाराष्ट्र के वनाट से चलाया था तो महाराष्ट्र के पवनार से अब व्यक्तिगत चलो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस नाम से दिल्ली चलो आंदोलन दिल्ली चलो आंदोलन एवं व्यक्तिगत एवं व्यक्तिगत स्विनय स्विनय अवगिया आंदोलन के नाम जानते हैं अवगिया आंदोलन के नाम से जानते हैं स्रोजनी नायडू की जब बात करते हैं सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहकर संबोधित किए थे और सरदार पटेल को इतिहास में हम लौह पुरुष में भारत के बिस्मार्क के नाम से जानते हैं जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन था थे? सही मौलाना अबुल कलाम आजाद महात्मा गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था कब तो उन्नीस ईस्वी में कौन बेलगाँव अधिवेशन में बेलगांव, बेलगांव अधिवेशन तो यहीं पर मौलाना अबुल कलाम आजाद को चुना गया था 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में और ये सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे और सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे सरदार पटेल 1931 कौन कराँची अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्षता किया था और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था नारा दिया गया था गांधी वापस जाओ और गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधी बाद हमेशा ज़िंदा रहेगा तो अभी यहीं तक समय थोड़ा तो कम पड़ जाता है खैर कोई कुछ समय कम पड़ जाता है कुछ हमें ऐसा भी लगा तो आज का सफर यहीं तक रहेगा हम आपकी बात आपके मैसेज को भी पढ़े हैं और हम आपकी एक एक मैसेज को पढ़े हैं और हम आपकी बात को से सहमत हैं करते हम चाहेंगे तो आप क्वेश्चन में बदलाव आए लेकिन हम बदलाव क्या कहें हम तो अभी क्वेश्चन कर रहे थे तो अधिकांश क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री से और वर्ल्ड हिस्ट्री से ही था लेकिन फिर भी हम आपके बात पर विचार करेंगे ठीक है